कंडीशंस है 45,500। हम लगातार आपको एक बार नोटिस भी करवा रहे हैं कि 45,500 के ऊपर दम आ जाएगा बाज़ार में, और हो सकता है तब कवरिंग आए तो 1,000 पॉइंट की भी कवरिंग आ सकती है। 46,600 तक के टारगेट हैं, तब 45,300 का आपका स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर आप बैंक निफ्टी वाली प्लेट वापस से दिखाएंगे स्टॉप लॉस टारगेट, तो उसमें आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, 200-250 पॉइंट का सिर्फ रिस्क रह जाएगा और टारगेट 1,000 पॉइंट का। इससे बेहतर इन रिस्क रिवॉर्ड आपको दिया नहीं जा सकेगा। ये आप कंडीशन नोटिस कर लीजिएगा 45,500। हमने कई बार आपको ये पॉइंट नोटिस भी करवाया, चलेगा तभी जब एक बार हम 800-850 के रेंज को पार करेंगे, तब हम 22,000 के टारगेट भी देखेंगे। लेकिन अभी उसको होल्ड कर देते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी को क्लियरली बाय है, बट ऊपर कंडीशन लिखी हुई है 45,500, इसको मिस ना कीजिएगा। ये कंडीशन ही फुलफिल होने पर ही सौदा बनेगा, ठीक है। और दोनों ही केसेस में वॉल्यूम कम रखिए, आराम से काम कीजिए। अब जरा निफ्टी वाली प्लेट लेके आइए। निफ्टी के अंदर 850 तक आप एक पुल बैक को और देख सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा कि बिल्डअप अच्छा बन गया, पर प्राइस एक्शन होना बाकी है। ये हो सकता है प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत हो जाए तो 850 तक आप आ जाएंगे। तो निफ्टी पे मेरी बहुत सिंपल और क्लियर राय होगी कि उस पर कोई लेवल की जरूरत नहीं है। जो आज का हाई बना हुआ है 21,765.66 ऑलमोस्ट 21,766, बस इसके आसपास हमें क्लोज होना है। इसके ऊपर आज का डे हाई 3.5 तक क्लोज क्रॉस होना चाहिए, इसके ऊपर हम क्लोज हो जाए, ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं और एक डिसीजिव क्लोज आ रहा है, तो मेरे हिसाब से वहां से हम लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 21,550 और वहां से टारगेट रखेंगे करीबन 21,850 से लेके 21,900 तक का। डीपी जी, बैंक निफ्टी में सबसे अहम है जो कल हाई बना हुआ था जो है 45,800। तो हो सकता है लगे कि यहाँ से 700 पॉइंट दूर है, बट 700 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई ज्यादा नहीं होते, तो यहाँ पे आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। इसके ऊपर क्लोज, कल के हाई के ऊपर क्लोज, यानी 45,800 के ऊपर स्पॉट का क्लोज होना जरूरी है। वो जिस दिन क्लोज हो, आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी क्लोज हो, आप लॉन्ग जाइए, स्टॉप लॉस रखिए 45,300, 1% आपकी रिस्क होगी, और वहां से आप टारगेट कंफर्टेबली रख सकते हो करीबन 46,500, 46,600 तक के।